नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने ऑल्टो KTM कार को ही क्यों खरीदा, अपने लिए ऑल्टो KTM को ही क्यों चुना, क्योंकि इससे रिलेटेड कई दोस्त मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आपने ऑल्टो KTM कार को क्या देखकर खरीदा, मतलब क्या खूबियां देखी आपने जो ऑल्टो KTM को खरीदा, और मार्केट में अन्य कंपनी की कार भी अवेलेबल है तो आपने उन्हें क्यों नहीं खरीदा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने ऑल्टो KTM को क्यों सिलेक्ट किया, क्या खासियत मैंने इस कार में महसूस की जो मैंने ऑल्टो KTM को खरीदा है। अगर आप ऑल्टो KTM कार खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं आपको पूरे पॉइंट बताऊंगा कि मैंने ऑल्टो KTM को क्यों खरीदा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा जो बजट था वो 4 से 4.5 लाख रुपए था, मतलब मेरे को 4.5 लाख रुपए में ऑन रोड कार चाहिए थी। तो इस प्राइस रेट में हर कंपनी की कार अवेलेबल थी, रेनो की क्विड जो इसकी मेन कॉम्पिटिटर है, दूसरी ईओन हुंडई की, और तीसरी डटसन की रेडिगो, और एक ऑल्टो 800 भी थी। तो मैं सबसे पहले दोस्तों मेरे जो फादर थे वो ऑल्टो 800 लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये कार में थोड़ी दिक्कत रहेगी, आप अपन को हाईवे पे ज्यादा चलना है, सिटी में अपनी कार नहीं ड्राइव करनी है, और एसी वगैरह भी हमें अच्छा चाहिए। तो ऑल्टो 800 को हमने अवॉइड किया और अपना बजट 50 से 60 हजार रुपये बढ़ाकर 1000 सीसी की कार लेने पे विचार किया। तो फाइनली हमने दो कार को सिलेक्ट किया दोस्तों, जिसमें एक थी रेनो की क्विड और दूसरी थी ऑल्टो KTM। जब हम इन कार की टेस्ट ड्राइव लेने गए, सबसे पहले मैंने रेनो की क्विड की 1 लीटर वाली कार 800 सीसी वाली कार चला के देखी। 800 सीसी वाली कार को मैंने चलाया और मेरे को पता था कि मेरे को किस तरह से टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो मैंने उसमें 4 पर्सन बैठा ले और उसे मैंने ड्राइव किया। पहले मैंने कम स्पीड में ड्राइव किया, पहले मैंने देखा कि इस गाड़ी में कितनी स्पीड में कौन सा गियर चेंज करना पड़ रहा है। तो उसमें मेरे को बार बार गियर चेंज करने पड़ रहे थे, सिटी में जब मैं उसको ड्राइव कर रहा था तो बार बार गियर चेंज करना पड़ रहे थे, और जब मैंने एसी चला दिया उसका तो पूरी कार फर्स्ट गियर में उठाते में हिलने लग जाती थी। मतलब कहने का ये है, फुल पैसेंजर के साथ एसी ऑन करके मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाता था तो कार में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा था, और सबसे बड़ी बात जब मैं कार को स्टार्ट करता था तब भी कार में वाइब्रेशन ज्यादा होता था, और जब मैं चलाता था तो केबिन में इंजन की नॉइस बहुत ज्यादा आ रही थी। 800 सीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने उसको साइड में कर दिया, मतलब हमें पसंद नहीं आई। उसके बाद हमने ऑल्टो 800 को ड्राइव किया, तो 800 का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा बेहतर रहा क्विड 800 के मुकाबले। और फाइनली जब हमने 1000 सीसी कार लेने का विचार किया तो सबसे पहले रेनो की क्विड हमने टेस्ट ड्राइव ली, और उसमें भी हमने इसी चीज को अप्लाई किया, 4 लोगों को बिठाल के एसी ऑन करके उसको दौड़ाया। जैसे ही कार 80 की स्पीड पे पहुंची तो उसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया और इंजन नॉइज तो बहुत ही ज्यादा थी। ये हमें पता नहीं था कि, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ऑल्टो KTM और इसमें, तब मुझे इतना कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। तो हमने देखे, उसके फीचर भी देखे, हमें पसंद आए फीचर वगैरह, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम था, ज्यादा लेग रूम था पीछे की सीट में, मतलब दिखने में गाड़ी अच्छी थी और फीचर अच्छे थे। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm थी। फिर हमने सोचा गाड़ी तो अच्छी है, चलिए एक बार KTM का भी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। हालांकि मुझे पता था KTM का जो इंजन है वो ज्यादा बेहतर है रेनो की क्विड से, और माइलेज भी अच्छा देती है, हमें ऐसी कार चाहिए जो माइलेज भी अच्छा दे। तो फिर हम KTM की टेस्ट ड्राइव लेने पहुंचे। KTM की टेस्ट ड्राइव ली तो जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आया। कार को स्टार्ट करने में पता ही नहीं चल रहा था कि कार स्टार्ट है या नहीं है, मतलब इंजन बहुत ज्यादा साइलेंट था।
और अंदर से देखने में कार भी इतनी बुरी नहीं थी। हालांकि इसमें ना टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम था, ना ही डिजिटल मीटर था, लेकिन मुझे प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी लगी क्विड के मुकाबले। क्विड 1 लीटर की बात कर रहा हूं मैं अभी, और K10 की बात कर रहा हूं। तो K10 की मेरे को प्लास्टिक क्वालिटी रेनो की क्विड से बेहतर लगी। दूसरा, जब मैंने इस कार को ड्राइव किया सिटी में, तो आप मानेंगे नहीं कि जो प्रॉब्लम मुझे क्विड के 800cc और 1000cc के इंजन वाली कार में आ रही थी, इस कार में मेरे को गियर चेंज बहुत ही कम करने पड़े। मतलब कम स्पीड में भी कार टॉप गियर में उठ रही थी। मतलब कहने का यह है, जो सेकंड गियर में आपको जरूरत है, सेकंड गियर में चलने की जरूरत है, तो ये थर्ड गियर में आराम से चल रही थी बिना वाइब्रेशन के। और जब मैंने इसको हाईवे पर ड्राइव किया, मतलब खुली रोड पे इसको 80-100 तक की स्पीड में ड्राइव करके देखा, मेरे साथ एक फ्रेंड भी था, उसने भी देखा, तो इसका मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वाइब्रेशन बहुत कम था। दूसरा, जो रोड पे पकड़ थी कार की वो काफी अच्छी थी। तो 100 से ऊपर हमने ड्राइव करके नहीं देखा, तो मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। मतलब परफॉर्मेंस वाइज, इंजन वाइज इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हमने और चीजों पर भी गौर किया। मैंने सोचा कि क्विड देखने में काफी अच्छी है, फीचर काफी अच्छे हैं, साइज में थोड़ी बड़ी है और प्राइस भी लगभग सेम है। हमको मतलब इस प्राइस रेट में फीचर काफी अच्छे मिल रहे हैं। फिर फाइनली मैंने विचार किया कि जो क्विड का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था, वो 2-3 माइनस पॉइंट थे। पहला, इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं था मारुति के मुकाबले, रीसेल वैल्यू भी इतनी अच्छी नहीं थी। और जो इसको ना लेने का एक कारण देखा मैंने, वो था मैं अपनी कार को हाईवे पे भी चलाता, गांव से बिलोंग रखता हूं तो गांव में भी ले जाता, और खराब रास्तों पे मुझे अपनी कार चलानी थी। तो क्विड का जो मेरे को सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लगा, वो लगा उसका इंजन चैम्बर। इंजन का ऑयल चैम्बर जो होता है वो प्लास्टिक का दिया हुआ था। हालांकि उसमें 20 mm ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्टो K10 के मुकाबले ज्यादा थी, लेकिन ऐसे ग्राउंड क्लियरेंस का क्या फायदा अगर मान लीजिए कोई नीचे से पत्थर टकरा जाए। जरूरी नहीं है कि 20 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको बचा ले जाएगा, पत्थर टकरा जाए तो इंजन चैम्बर टूट सकता है। यही कारण था कि मैंने ऑल्टो K10 को परचेस किया, क्योंकि इसका इंजन चैम्बर एल्यूमिनियम का दिया हुआ है। और भी कई कारण थे। दिखने में रेनो क्विड इससे बड़ी लगती है, ऑल्टो K10 से बड़ी लगती है, लेकिन इसका वेट ऑल्टो K10 के मुकाबले कम है। और भी कई रीजन है। हालांकि मैंने एक फाइनल वीडियो बना के दिया था आप लोगों को दोनों कार के कंपैरिजन का, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे क्या पॉइंट है जो ऑल्टो K10 में क्विड के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, और ऐसी क्या कमियां हैं जो क्विड में ऑल्टो K10 के मुकाबले अवेलेबल नहीं है। जब हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी दोस्तों, क्विड 1 लीटर वाली की, तो गाड़ी का पिकअप भी अच्छा था, लेकिन नॉइज ज्यादा थी ऑल्टो K10 के मुकाबले। नॉइज ज्यादा थी, और ऑल्टो K10 की एक चीज और मुझे पसंद आई कि जब हमने इसका AC ऑन कर दिया, 4% बैठे थे, तब भी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, कोई मतलब पावर लैक महसूस नहीं हो रहा था। तो मैंने सिटी में भी इस कार को ड्राइव किया, एक ब्रिज पे भी मैंने अपनी कार को चलाया ट्रैफिक में, तो मतलब कोई पावर लैग महसूस नहीं हो रहा था। AC ऑन करने के बाद, 4 लोग बैठने के बाद, काफी स्मूथ ड्राइव थी। मतलब तो ये रीजन था, एक तो ऑल्टो K10 को खरीदने का। दूसरा रीजन ये था कि इसकी प्राइस थी वो भी मेरे बजट में बैठ रही थी। और तीसरा रीजन ये था कि अन्य कार के मुकाबले इसका माइलेज भी अच्छा है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। तो ये रीजन थे दोस्तों कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। हालांकि ईओन की तरफ भी मेरा विचार हुआ, लेकिन ईओन का 1 लीटर वाला कापा इंजन वाला वेरिएंट था, वो काफी ज्यादा हाई प्राइस हो गई थी उसकी, और भी दिक्कतें थी उस कार में, जैसे कि जो ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी 170 mm तो बताती है, लेकिन जब उसमें फुल पैसेंजर बैठ जाते हैं तो उसकी बॉडी काफी नीचे हो जाती है और नीचे से वो टकराती है। तो हालांकि मेरे एक मित्र के पास ईओन है,
उसने मुझे ये कंप्लेंट की थी कि आप ईओन को इग्नोर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईओन के साथ यही है और दूसरी प्रॉब्लम ये थी ईओन में कि उसका माइलेज भी इतना अच्छा नहीं है। हालांकि उसकी बिल्ड क्वालिटी, अंदर का जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफी अच्छी थी और कार के मुकाबले, ऑल्टो केटीएम क्विड के मुकाबले, लेकिन जो सबसे ज्यादा फीचर मिल रहे थे वो हमें क्विड में ही मिल रहे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक ऑल्टो केटीएम मेरे लिए एक अच्छा पैकेज है और 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है दोस्तों इस कार को खरीदते हुए, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और 1400-1500 रुपए अभी तक मेरी कार की सर्विस में चार्ज हुए हैं। अब मेरी जो सर्विस होनी है वो 2 साल भी होनी है और 2 साल के बाद बताऊंगा मैं आपको कि कितना मतलब इसमें सर्विस कॉस्ट आई है, कितना खर्चा आया है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, तो उस टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी कार ऑल्टो केटीएम को ही खरीदा है और अभी मैं इस कार को ही चला रहा हूँ और इसके साथ काफी बढ़िया एक्सपीरियंस अभी तक मुझे मिला है। तो उम्मीद है दोस्तों आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। और एक और क्वेश्चन था दोस्तों कि आपने टियागो क्यों नहीं खरीदी ऑल्टो केटीएम की जगह, तो उस टाइम पे टियागो थी दोस्तों वो नई कार थी, उस मतलब वो जब मैंने ऑल्टो केटीएम खरीदी थी 2017 जनवरी में तो उस टाइम पे वो लॉन्च ही हुई थी, तो 1-2 महीने हुए थे उस कार को आए मार्केट में, 2-3 महीने हुए थे, तो उस टाइम पे उसकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी कैसी रिपोर्ट है और सब लोग बोलते टाटा की कार है तो ऐसा है वैसा है, तो इस और मतलब घर वालों का भी ध्यान नहीं था टियागो को लेने के ऊपर, उन्होंने ज्यादातर फोकस कर रखा था मारुति या अदर कंपनी कार देख लेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मारुति की कार थी। तो ये कुछ रीजन से जो मैंने आपको बताया दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।